आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ए विद्या चैनल्स, चैनल नंबर 1 से 12 और NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस खास सत्र में, जिसे हम लेकर आए हैं सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए। और जैसा हमने आपको बताया कि क्लास 1 से 12 तक है ये सत्र, और इसमें हम एक बहुत ही खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आप सभी को बता दें कि आज एक बहुत ही विशेष दिन है, और आज है वर्ल्ड ओजोन डे, यानी कि विश्व ओजोन दिवस। और क्यों मनाया जाता है, आप सभी को पता है कि किसी भी दिन को मनाने के पीछे एक कारण होता है कि उस चीज़ के पीछे जागरूकता फैलाई जाए, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी सभी तक पहुंचाई जाए। और ओजोन की अगर हम बात करें तो ये एक पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत होती है, जो कि सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाती है, उसको काफ़ी हद तक ये ऑब्जर्व कर लेती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसी बात है तो समस्या क्या है। समस्या है कि इस ओजोन परत का क्षरण होना, यानी कि इस जो ओजोन लेयर है इसमें एक छेद हो जाना, जो समय के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है, जो कि हम सभी के लिए सही नहीं है, खासतौर पर पर्यावरण और मनुष्यों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। और इस पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन हम आप सभी को बता दें कि आज हम किस जो हमारा शीर्षक है वो क्या है, स्टोरी ऑफ ओजोन होल फ्रॉम डिस्कवरी टू रिकवरी, यानी कि कहानी ओजोन क्षेत्र की खोज से पुनर्प्राप्ति तक। और हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे भी परिचय लेते हैं। आप हैं श्री सुशील कुमार, आप PGT बायोलॉजी हैं फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, और प्यारे बच्चों आप सबका स्वागत है। आज विश्व ओजोन दिवस पर हम सब मिल के कुछ हरे भरे कार्यों की बात करेंगे, जिसके द्वारा हम धरती की इस अमूल्य धरोहर को बचा सके। जी बिल्कुल सर, हम इस पे बात करेंगे और आपसे हम काफ़ी कुछ जानकारी लेंगे, और हम बहुत ही तैयार बैठे अपने सभी प्रश्नों के साथ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे दर्शक, वो भी तैयार बैठे हैं अपने सवालों के साथ, अपने प्रश्नों के साथ। तो आप सभी अपने प्रश्न हम तक पहुँचा सकते हैं हमारे इस वेबिनार में, और आप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class12@cit.nic.in। और इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल पे हैं NCERT ऑफिशियल पे, आप लाइव चैट बॉक्स पे जाकर कमेंट कर सकते हैं। और ये सबसे तेज़ माध्यम है हमसे जुड़ने का, और हम चाहते हैं कि अपने सभी प्रश्नों के साथ, अपनी सभी क्वेरीज के साथ आप हमसे जुड़ें। और ओजोन के बारे में और क्लाइमेट के बारे में, खासतौर पर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जितने भी आपके प्रश्न आपके डाउट हैं आप हमसे और हमारे विशेषज्ञ के साथ साझा करें। तो सर, जैसे हमने अपने सभी देखने वालों के साथ साझा किया कि आज बहुत ही स्पेशल डे है, वर्ल्ड ओजोन डे है, आज विश्व ओजोन दिवस है, बहुत ही खास हो जाता है पर्यावरण के लिहाज से, तो क्या कुछ आपके पास है हमारे सभी बच्चों के साथ साझा करने के लिए, इसके बारे में हम आपसे ज्यादा जानना चाहेंगे सर। बिल्कुल बच्चों, आज 16 सितंबर को पूरी दुनिया अलग अलग हिस्सों में स्कूल कॉलेज और आम जन के बीच में ओजोन की परत को बचाने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रही है, और उसी क्रम में ये प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के अंतर्गत NCERT की एक पहल है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि ओजोन के प्रति, संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, और इस दिवस की हर बार एक कोई थीम रखी जाती है, जैसे, और उस थीम के अंतर्गत पूरे साल काम किया जाता है। इस बार की थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज। आप सब जानते होंगे बच्चों कि हम और आप लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं उस दुनिया में पर्यावरणीय परिस्थितियां काफ़ी कुछ बदल गई होंगी। आपने घरों में अपने दादी माँ, नानी माँ और मम्मी पापा से सुना होगा कि हमारे आसपास का पर्यावास बहुत कुछ बदल गया है, पर्यावरण बहुत कुछ बदल गया है। तो ये जो बदलाव हुआ है वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और इसमें हमारी आपकी क्या भूमिका हो सकती है कि हम धरती को फिर से हरा भरा बना सकें, तो चलिए हम शुरू करते हैं ओजोन की कहानी। बच्चों, ओजोन जैसा आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो O3 होता है, और आप और हम लोग सब लोग जानते हैं कि हम और आप लोग धरती पर एक ऐसी गैस का उपयोग करते हैं जो हमें जीवन देती है, जिसे हम ऑक्सीजन कहती, उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला O2 होता है और ओजोन का O3 होता है। तो आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन का O2 और ओजोन का O3, तो एक ऑक्सीजन एटम का ही अंतर होता है। विज्ञान की भाषा में कहा जाता है कि ओजोन
ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप बच्चों वो कहलाते अपर रूप, एक प्रकार का उसका रूप है, लेकिन ओजोन उस ऑक्सीजन से जैसे ही बनता है तो इसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। जैसे कि अगर हम देखें ओजोन जिस धरती पर हम और आप लोग रहते हैं उसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं, और इससे बढ़ते हुए ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे तो अलग अलग स्तर हैं धरती पर, और उनमें अलग अलग स्तर पर ओजोन का कंसंट्रेशन अलग अलग होता है। हम कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पर सॉरी ग्राउंड लेवल पर ओजोन को कह सकते हैं 1 पार्ट इन 100 मिलियन, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो ओजोन का कंसंट्रेशन बदलता जाता है। तो ये स्लाइड के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये जिस धरती पर जहां हम रह रहे हैं 1 से 12-13 किलोमीटर की ऊंचाई तक, तो वो कहलाता है ट्रोपोस्फियर। उसके बाद अगली लेयर कहलाती है स्टेटोस्फियर। स्टेटोस्फियर लगभग 45-50 किलोमीटर की आसपास ऊंचाई पर होती है। इसके बाद मीजोस्फियर और इसके बाद थर्मोस्फियर, और ये अलग अलग जो आप देख रहे हैं एटमॉस्फियर के डिवीजन, इन एटमॉस्फियर के डिवीजन में अलग अलग जगह पर अलग अलग कंसंट्रेशन ओजोन का पाया जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो स्ट्रेटोस्फीयर पर ओजोन का कंसंट्रेशन काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और ये ओजोन हमें और आपको बहुत मददगार होती है, बहुत बचाने में मदद करती है, कई सारी परेशानियों को सॉल्व करती है, अभी हम आपको बताएंगे। तो इस ग्राफ के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, एल्टीट्यूड बढ़ता है, तो आप देख रहे होंगे कि ओजोन का कंसंट्रेशन स्ट्रेटोस्फीयर वाले रीजन में सबसे ज्यादा है। अगर हम आगे और देखें, अगर स्ट्रेटोस्फीयर रीजन अगली स्लाइड की तरफ देखें, तो एक बच्चा अपनी मम्मी से पूछ रहा है कि हम रोज अपने साथियों से, अपने आसपास लोगों से सुनते हैं कि होल इन द ओजोन, मतलब ओजोन की परत में छेद हो गया है, तो ये क्या है? तो माता जी उनकी कार्टून के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे, समझा रही हैं कि बच्चों जैसे मेरा ये सर है, सिर है, तो दिस इज लाइक अर्थ, ये अर्थ की तरह है, सर को मान लीजिए आप अर्थ है, और इसके ऊपर देख रहे होंगे हेयर की कवरिंग है, तो ये जो हेयर जो पूरा कवर कर रहा है ये आप मान लीजिए कि ये एक प्रकार की ओजोन लेयर है। लेकिन आपने बच्चों देखा होगा कि जब ओल्ड एज में पहुंचते हैं हम लोग तो धीरे धीरे पैटर्न बेल्डनेस हो जाती, बीच के बाल गायब हो जाती। तो जो ऐसे आप और लोग अपने आसपास देखते होंगे कभी ऐसे पैटर्न बेल्डनेस के लोगों को जो ओल्ड एज, तो वो आप समझ सकते कि जो बीच में एक स्पॉट दिखाई दे रहा है बेल्ड स्पॉट, उसे हम ओजोन होल समझ सकते हैं। तो ये आप ऐसे साधारण भाषा में समझ सकते हैं, या फिर मैं आपको बताऊं जैसे हम और आप लोग बच्चों छतरी के माध्यम से जब बारिश होती है तो अपना बचाव बारिश से करने के लिए हम लोग छाते का इस्तेमाल करते हैं, तो वो छाता हमें बारिश से बचाता है। ऐसे ही हमारी धरती के ऊपर एक नीली छतरी है, ये ओजोन जो होती है बच्चों ये नीले कलर की होती है, तो ये ब्लू कलर्ड एक अम्ब्रेला टाइप की स्ट्रक्चर मान लीजिए एक लेयर है जो स्ट्रेटोस्फीयर रीजन में काफी कंसंट्रेट मात्रा में पाई जाती, और हमें कई सारे हार्मफुल रेडिएशन विशेषकर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे कि ओजोन के बारे में एक लिटरली आपकी एक कंसेप्ट बनी होगी। जी अब आजकल आप बच्चों जान रहे हैं, सुन रहे हैं कि डिप्लीशन हो रहा है ओजोन की लेयर में, मतलब ओजोन की लेयर पतली हो रही है, या ओजोन की लेयर में जिसे आजकल एक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है ओजोन में होल हो रहा है। तो ये आपको इस कार्टून के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई। ओजोन का सोर्सेस जो होते हैं बच्चों, ये नेचुरली ओजोन बनती रहती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, कुछ विशेष प्रकार की रिएक्शन होती है जो लाइट की प्रेजेंस में ये केमिकल रिएक्शन होती है, और ये रिएक्शन स्ट्रेटोस्फीयर रीजन में होती रहती है। तो जो ओजोन है अगर हमारी धरती के आसपास वाले रीजन में पाई जा रही ट्रोपोस्फीयर में, तो वो अच्छी ओजोन नहीं कहलाती, और मतलब बैड ओजोन हो गई वो, क्योंकि वो हमें पॉल्यूशन के लिए जिम्मेवार है। उसी के कंपेयर में अगर हम लगभग 40-50 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखें तो वो ओजोन हमें और आपको कई सारे
बेनिफिट देती है, कई सारे रेडिएशन से बचाती है, सो डेट इज ए गुड ओजोन। तो ये ओजोन लेयर का थोड़ा सा आपने समझा। अब सवाल उठता है कि अब बहुत ज्यादा इस समय चर्चा में है, और इसीलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई ये जो धरती की बेस कीमती एक लेयर है जो हमें नेचुरली प्राप्त हुई, उसमें हम मनुष्यों के द्वारा अपने सुविधाओं के संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट उपयोग किए, अप्लायंस उपयोग किए, जिनमें हम कुछ ऐसे केमिकल इस्तेमाल किए जिनकी वजह से ओजोन की जो ये लेयर है उसमें थिनिंग आ गई, मतलब ओजोन का जो कंपोजिशन है O3 वो टूटा O2 और O में, तो इसके कारण ओजोन का कंसंट्रेशन कम हो गया और उसको टेक्निकली ओजोन होल कहा गया है। तो ये जो केमिकल हैं जो हम और आप लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, सबके घरों में आपने देखा होगा रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, लेकिन पुराने समय में विशेषकर जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो इस्तेमाल किए जाते पुराने फ्रिज AC में जो गैस इस्तेमाल की जाती थी वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ग्रुप की होती थी। तो वो उसमें से अभी हम आपको समझाएंगे कि क्लोरीन का एक फ्री एटम निकल के और फिर जाके वो लगभग 1,00,000 ओजोन मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए जिम्मेवार होता है। तो ऐसे ही एरोसोल, प्रोपेलेंट, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, वॉल्केनिक इरप्शन, ऐसे ही हम और आप लोग बहुत सारे ऐसे फ्यूमिगेंट यूज करते हैं अपने घर में जिनमें मिथाइल ब्रोमाइड होता है, और ये जो ये जितने भी होते हैं इनमें ओजोन को डिस्ट्रक्शन करने के लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि नंबर ऑफ दी फ्री रेडिकल जो इनसे रिलीज होते हैं, चाहे वो हाइड्रोक्साइड आयन हो या नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल हो या क्लोरीन रेडिकल हो या ब्रोमीन रेडिकल, और ये जाके जो हमारी ओजोन की लेयर है इसको तोड़ने के लिए जिम्मेवार होते हैं। सर, यहाँ पर हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। आपने गुड ओजोन और बैड ओजोन के बारे में हमारे सभी बच्चों को बताया। यहाँ पर ये जो गुड ओजोन और बैड ओजोन है, और जैसे आपने बताया कि बिकॉज ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो रहा है, ये हम सभी को पता है कि, और ये डिप्लेशन शरण बढ़ता जा रहा है, तो कैसे हम पता करें कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि कई हमारे होम अप्लायंसेज हैं जिसकी वजह से ओजोन लेयर में जो डिप्लीशन है उसका रीज़न एक वो भी है, तो किस तरह से हम ये जाने कि जो गुड मतलब हमारी जो हरकतें हैं या फिर हमारे जो काम है या किस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं जो कि इन सभी चीज़ों को रोक सकती है। सर, ऐसे क्या हम छोटे छोटे काम कर सकते हैं? सर बिल्कुल, हम उन सब प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें जो प्रोडक्ट ओजोन की परत को खराब करते हैं। देखिए, बैड ओजोन और गुड ओजोन में तो ये है कि मैम, अगर हम जिस धरती पर रह रहे हमारे आसपास अगर ओजोन पाई जाएगी तो वो पॉल्यूटेंट के रूप में मानी जाती है, मतलब वो पर्यावरणीय प्रदूषण के लिए जिम्मेवार है, फोटोकेमिकल स्मोक के लिए जिम्मेवार है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, कई सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करती है। अगर हम अपने 0 से लेके 12 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में अगर ओजोन का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ये हम मानेंगे एक प्रकार की बैड ओजोन हो गई, लेकिन यही ओजोन ऊपर पहुंचती है लगभग 40-50 किलोमीटर की ऊंचाई पर तो स्ट्रेटोस्फीयर रीजन में ये ओजोन हमें और आपको बहुत फायदेमंद है, ये हमें और आपको कई सारे हार्मफुल रेडिएशन से बचाती, वो गुड ओजोन हो गई। अब सवाल उठता है कि ऐसे कौन से केमिकल हैं, तो हम और आप लोग जैसा अभी हमने बताया कि घर में रेफ्रिजरेशन यूनिट इस्तेमाल करते हैं, तो क्योंकि हम यूनिट में जैसे तो आपने बताया कि होम अप्लायंसेस में होती है ये चीजें, जिम्मेवार थी। जी सर, जैसे आपने बताया कि कई चीजें होती हैं जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, जाने अनजाने स्टायरोफोम के दोने, पत्तल या गिलास, क्योंकि सर कई चीजें हम अवॉइड नहीं कर सकते। अगर हम आज के टाइम में देखें, ऐसे केमिकल होते जो ओजोन को तोड़ने के लिए जिम्मेवार है, ऐसे ही स्टायरोफोम के हम मैट्रेस का उपयोग करते तो उसके स्थान पे हम लोग जो पुराने समय में जो जिन प्रकार के मैट्रेस आपने और हम लोग उपयोग करते रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोग कॉटन के मैट्रेस का इस्तेमाल करते थे, रुई के गद्दों का, तो लेकिन आजकल बदली हुई परिस्थितियों में और भी चीजों का इस्तेमाल होने लगा है। एरोसोल का इस्तेमाल को हम कम करें, खेती में ऐसे कीटनाशक उपयोग होते हैं जो कहीं ना कहीं से हमारी ओजोन की परत को तोड़ने के लिए जिम्मेवार केमिकल को रिलीज करते। ये जो हमारी गतिविधियां हैं ये
बच्चों को ये समझनी है, मतलब कुल मिला के अपनी ऐसी जीवनचर्या को व्यतीत करना है जो कि नेचर फ्रेंडली हो। हम इस स्लाइड के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि 1956 और 1977 और 1985 में कुछ प्रयोग किए गए जिनके आधार पर ये पता करने की कोशिश की गई कि ओजोन को मीजर करने की कोशिश की गई कि कितनी है। ओजोन को मीजर करने के लिए जो बच्चों यूनिट होती है वो डॉप्सन यूनिट में मीजर की जाती, और एक इंस्ट्रूमेंट होता है डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसके द्वारा पता किया गया कि अंटार्कटिका के ऊपर 1957 से 1986 के बीच में जो डेटा कलेक्ट किया गया ब्रिटिश सर्वे टीम के द्वारा, तो उन्होंने देखा कि सैटेलाइट के माध्यम से उन्होंने जब डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से ऐसे डेटा कलेक्ट किए, तो उन्होंने, आप देख पा रहे होंगे इस स्लाइड में कि 1970 से 1996 तक ब्लू कलर का देखिए जोन बढ़ता चला जा रहा है। तो ये TOM जो आप देख पा रहे होंगे, ये TOM कुछ और नहीं, ये एक प्रकार से टोटल जो ओजोन की जो आप टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से जो पता चला कि ओजोन का जो कंसंट्रेशन है वो पार्टिकुलर एरिया में कम होता जा रहा है। और डॉक्टर सुसान सोलोमन ने अंटार्कटिका पर अपना एक एक्सपेडिशन किया, और उसमें फिर उन्होंने, ये बहादुर लेडी थी, इन्होंने फिर और डेटा दिए। इसके आधार पर फिर पता चला कि जो क्लोरीन फ्री रेडिकल हैं ये जिम्मेवार हैं ओजोन की परत को तोड़ने के लिए। और ये सवाल उठता है कि अंटार्कटिका रीजन में ही क्यों ओजोन में ज़्यादा थिनिंग आई या ओजोन होल हुआ, तो इसके पीछे जब स्टडी की गई तो पाया गया कि जो ऐसी ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए जो ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि कंडीशन है, जो जैसे कि द यूनिक सर्कुलर सर्कुलेशन पैटर्न ओवर अंटार्कटिका इन विंटर विच आइसोलेट द स्ट्रेटोस्फीयर इनसाइड ए वॉर्टेक्स एंड एक्ट लाइक ए कंटेनमेंट वेसल, ऐसे ही पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक आइस क्लाउड ऑन द सर्फेस ऑफ दी एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाउड पार्टिकल्स सर्टेन केमिकल रिएक्शंस आर मोर इफिशियंट एंड फास्टर एंड दीज रिएक्शंस टेक्स प्लेस व्हेन द प्रेजेंस ऑफ द पोलर स्ट्रेटोस्फीयर आइस क्लाउड्स आर फाउंड। सो इन दिस वे ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड। सो यू मे सी दिस स्लाइड एंड इन दिस स्लाइड यू विल बिकम अंडरस्टैंड दैट हाउ द ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग। सो देयर आर सो मैनी केमिकल्स दैट आर रिलीजिंग बाई द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी एंड दीज केमिकल्स इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलॉन्स गोज आउट एंड रीचेज टू द स्ट्रेटोस्फीयर रीजन एंड रिलीजेज द फ्री रेडिकल एंड दीज फ्री रेडिकल ब्रेक डाउन द ओजोन। सो ओजोन डिप्लीशन यूजली टेक्स प्लेस इन द स्ट्रेटोस्फीयर रीजन एंड सिंस ओजोन इज वेरी वाइटल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द यूवी रेडिएशन एंड यू हैव ऑल्सो गोन थ्रू दैट इज देयर इज ए स्पेक्ट्रम सोलर स्पेक्ट्रम डेट इज द कॉस्मिक गामा एक्स रे अल्ट्रावायलेट विजिबल माइक्रोवेव एंड रेडियोवेव। सो इन द स्पेक्ट्रम सोलर स्पेक्ट्रम यू हैव सीन दैट देयर इज ए वन रेडिएशन दैट अकाउंट फॉर द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सो जैसे जैसे केमिकल रिलीज किए वो सर केमिकल यहाँ पर गए और उन्होंने स्ट्रेटोस्फीयर रीजन में जो आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर का पूरा एक होल देख रहे हैं या थिनिंग देख रहे हैं, ये 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया, और तब लोगों को इसके प्रति जागरूक किया गया कि भाई जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC या हेलॉन्स है दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर थिनिंग और मेकिंग द होल इन द ओजोन लेयर। सो नाउ द क्वेश्चन इराइज व्हाट आर द सबस्टेंस दैट रिलीजेज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। सो लाइक द रेफ्रिजरेंट यूनिट लाइक द क्लीनिंग सॉल्वेंट दैट वी पीपल आर यूज्ड इन वेरियस वे देयर आर सम एरोसॉल्स दैट एरोसॉल्स आर आल्सो यूज्ड इन द डिफरेंट प्रोडक्ट और डिफरेंट अप्लायंसेस प्लास्टिक एंड पैकिंग मटेरियल लाइक वी हैव डिस्कस्ड विद यू द स्टायरोफोम। हम और आप लोग पुराने समय में
देखा होगा कि नेचर बेस्ड लाइफ रहते थे, या दोने पत्तलों का इस्तेमाल करते थे, या कुल्हड़ का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जैसे जैसे हम और आप लोग आगे बढ़े तो हम लोग प्लास्टिक या ऐसे चीजों का इस्तेमाल करने लगे जो पर्यावरण हितैषी नहीं है। मेडिकली जो एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं उनका कभी कभी आप जो इस्तेमाल करते हैं, या जो भी हम फ्यूमिगेंट या सॉल्वेंट या एरोसॉल या फोम प्रोडक्ट जो हम और आप लोग यूज करते हैं, ये कहीं ना कहीं से जाके जब एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं तो फ्री रेडिकल क्लोरीन या ब्रोमीन के बनाते हैं, और फिर जाके ये हमारी ओजोन की लेयर को इस प्रकार से तोड़ते हैं। हम आपको इस रिएक्शन के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देख रहे होंगे CCL3F, जब क्लोरीन फ्री रेडिकल अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन होती है, तो आप देख रहे होंगे कि CCL3F टूटता है और इससे क्लोरीन फ्री रेडिकल बाहर निकलता है। फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल जाके ओजोन से जुड़ता है, और इस प्रकार से एक चेन रिएक्शन सी चलती है। और ये देखा गया, एक स्टडी के द्वारा ये पता किया गया कि ये सिंगल क्लोरीन एटम इज एबल टू रिएक्ट विद 1 लाख ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। तो आप समझ सकते हैं कि इससे जो नेचुरली जो ओजोन बनने में कितने सालों में ओजोन बनी और हमें और आपको प्रोटेक्ट कर रही है नीली छतरी के रूप में, वो बहुत तेजी के साथ टूटना स्टार्ट करती है। और ये इस स्लाइड के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि कैसे पहले नंबर पर आपको दिखाया गया है कि सर, हमारी यहाँ पर हम एंथ्रोपोजेनिक आपसे एक एक्टिविटी से सवाल करना क्लोरोकार्बन चाहेंगे। या हैलोन्स निकलते हैं, जी, ये जाते हैं एटमॉस्फियर में और आई फिर होप आई एम जाके ऑडिबल टू यू सर। स्ट्रेटोस्फियर जोन पर जाके ये क्लोरीन के तोड़ते हैं, और ये फिर हमारे लिए परेशानी का सबब बनता है। सो ये आप सवाल उठता होगा। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ सर रही है यहाँ पर हम आपसे एक सवाल जी। करना चाहेंगे, क्योंकि आप बोल रहे हैं जैसे यूवी रेडिएशंस के बारे में आपने बात की, और हमें भी पता है कि यूवी रेडिएशंस को रोकता है ओजोन लेयर, तो और ये हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन कितनी खतरनाक है ये, और यूवी रेज क्या होती है, हम आपसे थोड़ा ब्रीफ हम इसमें जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे भी हैं, छोटी क्लासेस के बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्हें नहीं पता कि यूवी रेज क्या होती है, उनके बारे में थोड़ा सा आप ये बताने का कष्ट करें सर कि यूवी रेडिएशंस क्या होती हैं सर। देखिए, यूवी मतलब यू फॉर अल्ट्रा, वी फॉर वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ये एक प्रकार की पराबैंगनी किरणें होती हैं। और अगर बच्चों को ये मान के चले कि एक स्पेक्ट्रम होता है, उसमें इनकी कुछ खास वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, और इनमें एनर्जी ज्यादा होती है, हाई एनर्जी वेव्स होती हैं ये। तो जो हमारे धरती के ऊपर जो ओजोन की छतरी है, समझिए प्रोटेक्टिव लेयर है, तो वो धरती पर जब सन से रेडिएशन आता है तो उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी होता है। तो ये जो धरती की छतरी है इसको धरती पर आने से रोकती है, मतलब जो हमारी ओजोन लेयर है उसे ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को काफी हद तक रोकती है, जिससे धरती पर ना आ सके। लेकिन जब ये ओजोन की परत में थिनिंग हो जाती है या होल, तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि हाई एनर्जी रेडिएशन है, वेव्स है, ये धरती पर आती है, तो जो गोरी स्किन वाले हैं, जो फेयर स्किन वाले लोग हैं, उनकी स्किन पर जब गिरती है तो ये जाके हमारी स्किन पर स्किन कैंसर के लिए जिम्मेवार देखी गई। उनकी त्वचा जल जाती है, आंखों में जलन होने लगती है, स्नो ब्लाइंडनेस जिसे हम कहते हैं, प्रीमेच्योर मतलब समय से पहले कैटरेक्ट हो जाता है। आपने मोतियाबिंद नाम की एक बीमारी समझी सुनी होगी, आमतौर पर मोतियाबिंद लेट एज में होता है, लेकिन अब चूंकि वातावरणीय कंडीशन ऐसी हो गई है कि ओजोन लेयर में काफी कुछ डिस्टरबेंस हो गया, उसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन धरती पर गिरता है। तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक हाई एनर्जी रेडिएशन होता है, और जब ये आता है तो इसकी वजह से हमारी धरती पर बहुत सारी परेशानियां देखी गई हैं। आज के दौर में ये भी देखा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है धरती पर, उसके लिए भी जिम्मेवार ये कहीं ना कहीं से ओजोन का डिप्लीशन है। और जो हमने आपको अभी बताया कि हम ना केवल हमें और आपको, देखिए जैसे स्लाइड के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो अब देखिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर थोड़ी बहुत मात्रा में आए तो उससे हमारे शरीर के लिए विटामिन बनती है, विटामिन डी का सिंथेसिस होता है, लेकिन जब गिरती है ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आएगा तो वो फिर स्किन कैंसर, आई डैमेज, हमारी आपकी इम्यून शक्ति जो रोग से बचाने वाली क्षमता होती है, जो मुझे और आपको रोगों से बचाती है, वो भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है।
हेल्थ परफॉर्मेंस भी कम हो जाता है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज हो जाती है, ओल्ड एज के लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं, आई में इरिटेशन, नोज एंड थ्रॉट में कफिंग और इवन रिस्पायरेटरी इलनेस एंड स्किन एजिंग एंड डिसऑर्डर। आपने देखा होगा कई बार फसलें खड़ी रहती हैं और उनमें बीज नहीं बन पाते हैं, कई बार फसलों में फोटोसिंथेसिस जो हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं जिसके द्वारा मेरी आपकी फूड सिक्योरिटी है, हमें आपको भोजन मिलता है, तो वो डिक्रीज फोटोसिंथेसिस के लिए भी जिम्मेवार है, वो जोन लेयर में डिप्रीशन। वाटर इफिशियंसी भी प्रभावित होती है, लीफ में डिस्कलरेशन, इसके अलावा कई सारी और मॉर्फोलॉजिकल चेंज देखे गए हैं पत्तियों में। मटेरियल जो हम और आप लोग अपने घर के बनाने में आसपास की चीजों में इस्तेमाल करते हैं बायोपॉलीमर, वो भी कहीं ना कहीं से सीधे सीधे प्रभावित होते हैं और उनकी भी जो एज है वो कम होती है या उसका कलर डिस्कलरेशन हो जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं और ये पहुंच के हमें और आपको कहीं ना कहीं से हमें आपको ऐसे इस प्रकार से प्रभावित करते हैं कि हमारी जीवन या जीवन से जुड़े हुए और काम है वो प्रभावित होते हैं, ना केवल मेरे आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं बल्कि हमारी फसलों को भी प्रभावित करते हैं, हमारे क्लाइमेट को भी प्रभावित करते हैं और अंतोगत्वा हमें और आपको परेशानी का सबब बनते हैं। अब बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे कि वो कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं जिनके द्वारा आप ओजोन डिप्लीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें और आपको एग्रोकेमिकल का ऑप्टिमल यूज करना है, हमें कोशिश करना है कि ऐसा जीवन जिए जिसमें कि कम से कम हेलोन्स या क्लोरो फ्लोरोकार्बन का यूज हो, मतलब हम घर में इको फ्रेंडली हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट यूज करें, ना कि ऐसे एरोसोल या क्लीनिंग एजेंट यूज करें जिनमें कि ओजोन डिप्लीशन वाले सब्सटेंस हैं। बच्चों आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि जब आप मार्केट से ऐसे सब्सटेंस लेने जाते हैं तो उनमें लिखा रहता है कि इट इज ओजोन फ्रेंडली, तो आप उसको देख भी सकते हैं लेबल को। आप अपने घर के लिए मैट्रेस लेने जाते हैं तो उसमें भी लिखा रहता है कि ये ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंस से बना है, या आपने घर के लिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम या एसी लेते हैं तो वो उसमें भी लिखा रहता है कि इट इज ओजोन फ्रेंडली। मैं आपसे एक और गुजारिश करूंगा बच्चों कि अपने घर की एसी की सेटिंग आप 24 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तो ये नेचर आपको थैंक यू बोलेगा, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जितना हम एसी की सेटिंग को 24 के आसपास रखेंगे, 23-24, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम होगी और हमारा एसी भी अच्छा चलेगा। तो कुल मिला के हम ये कुछ अच्छे काम हैं जिनके द्वारा हम मतलब हमको रॉकेट फ्यूल का मिनिमम यूज करना है, एरोसोल का मिनिमम यूज करना है, स्टायरोफोम के पत्तल दोनों का उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा हमें कुछ अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो फिर अपने को बचाने के लिए, हमें सनबर्न से बचाने के लिए आजकल ऐसी क्रीम या इस प्रकार के केमिकल हैं जिनको द्वारा हम अपने शरीर पर लगा सकते हैं फेयर स्किन के हैं तो, और सनग्लास को पहन के अपनी आंखों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा ऐसी क्रीम आती है जिनमें SPF अर्थात उसमें लिखा रहता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर अगर 50 या 30 या 35 या 40 है तो इट विल बी बेटर। तो ऐसी अगर किसी के साथ ऐसी परेशानी है कि बाहर निकलते ही उनकी स्किन पर रेड कलर के धब्बे हो जा रहे हैं या जलन हो रही है तो वो ऐसी सन प्रोटेक्शन फैक्टर वाली क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम कुछ अच्छे काम कर सकते हैं। लेकिन आपने बच्चों देखा होगा कि एक ओजोन, ये हमने जो अभी बात की ये वो ओजोन है जो स्ट्रेटोस्फीयर वाली रीजन गुड ओजोन थी, लेकिन जो एक ओजोन हमारे आसपास पर्यावरणीय पॉल्यूशन के रूप में पाई जाती है और ये कई सारे पर्यावरण पॉल्यूशन के लिए जिम्मेवार है, जिसमें कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के रूप में ये आके फिर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट अलग अलग केमिकल के साथ जुड़ के और फिर जाके हमारे आपको स्मॉग या हेज बनाने के लिए जिम्मेवार है। तो ये आपने देखा होगा कि सर्दियों के समय में विशेषकर जब स्मोक और फॉग मिलते हैं तो एक आपने साइंटिफिक टर्म सुना होगा स्मॉग, मतलब विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो उस स्मॉग के बनने के दौरान वन ऑफ द कंपोनेंट इज ओजोन। तो जब हमारी धरती पर ट्रॉपोस्फीयर के आसपास ओजोन पाई जाती है तो ये फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए भी जिम्मेवार है और इसकी वजह से दूर दूर तक देखा होगा कि बिल्कुल धुंधलापन छा जाता है सर्दियों के समय विशेषकर, और जीरो विजिबिलिटी या लो विजिबिलिटी हो जाती है। तो ये हम और आप लोग इससे बचा सकते हैं, अपनी हेल्थ को बचाने के लिए ये हमें ये पर्यावरणीय प्रदूषण वाली
ओजोन की बात कर रहे हैं जो कि हमारी धरती पर पाई जा रही है, लेकिन वो ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर वाली ओजोन थी जो हमें बचा रही थी। उसको हमें बचाने के लिए हमें ऐसी अपनी लाइफ स्टाइल में जो हमने आपसे बताया था, लेकिन जो पर्यावरणीय प्रदूषण फैला रही जो ओजोन, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने ऑटोमोबाइल की अच्छे से सर्विसिंग रखें, अपने कोशिश करें कि बाइसिकल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं, या ट्रेन का इस्तेमाल करें, या फिर गैसोलीन स्पिल को रोकें, या अपनी कार या जब भी हम कोई भी अपने गाड़ी के फॉसिल फ्यूल डलवाने जाते हैं तो स्पिल कम से कम हो, ये कोशिश करें। और इसके अलावा आप ये सब कुछ अच्छे काम करेंगे तो ये पर्यावरणीय प्रदूषण भी रुकेगा। बच्चों आपने देखा होगा कि हमारे आसपास धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बहुत सारे पॉल्यूटेंट भी रिलीज हो रहे हैं, तो वो पॉल्यूटेंट जाके, आपने नाम सुना होगा जैसे कुछ गैस का नाम सुना होगा जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जैसे एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसकी चर्चा कर रहे थे अभी, और या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर। तो ये धरती के चारों तरफ भी ब्लैंकेट के रूप में जमा हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में, और धरती पर जो रेडिएशन गिरता है धरती पर, उसके बाद जब रेडिएशन टकराने के बाद वापस जाना चाहता है तो उसको ये रोकते हैं, ट्रैप कहते हैं। इसके कारण हमारी धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। एक साधारण सी बात से मैं समझाना चाहूंगा मैडम आपका, हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है जी, और अगर इसमें 1-2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो जाए, या 98.6 डिग्री से 99 हो गया, तो आप देखिए कितनी परेशानी होती है। शरीर तपने लगता है, मुंह सूखने लगता है, सेहदायद होने लगता है, बदन दायद होने लगता है, कितनी परेशानी होती। ऐसे ही आज से धरती 100 साल पहले की कंडीशन में देखें और अभी, तो हमारी धरती का तापमान 1 से लेकर 1.5 डिग्री के आसपास बढ़ गया है। इस फिनोमेना को वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं, और इसके लिए बहुत सारी गैस जिम्मेवार है जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। मैं कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहूंगा, ये पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण जो पिक्चर्स हैं, ये आपने अमेरिका में बर्फीला तूफान सर्दियों में सुना था, वो है एकदम बर्फीला तूफान। ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जंगलों में आग आप सुनते हैं, चाहे अमेजन रेन फॉरेस्ट में हो या फिर हम अपने उत्तराखंड या नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में सुनते रहते हैं। ये आपने ऐसे प्रकार की घटनाएं बहुत देखी होंगी। पॉल्यूशन के कारण पूरे शहर, अभी देखिए अगले 1-2 महीने बाद न्यूज आएगी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब हो गया शहरों का, और दम घोंटू हवा में हम और आप लोग रह रहे हैं, तो ये पॉल्यूशन होता है। यही कारण है कि ये जो धरती जब गर्म होती है, तो आप रेणु जी मैं आपको बताऊं तो धरती जब गर्म होगी तो धरती पर ग्लेशियर पाए जाती है। ग्लेशियर वो होते हैं जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ होते हैं। तो जब धरती का तापमान एवरेज टेम्परेचर 14 से बढ़ता है ज़्यादा, तो ये आप धरती पर जो ग्लेशियर है वो पिघलना शुरू कर देते हैं, और ग्लेशियर हमारे जीवन का स्रोत होते हैं। जैसे हमारी गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है, ऐसे दुनिया के अलग अलग भागों में ग्लेशियर से हमें फ्रेश वाटर मिलता है, लेकिन ये धीरे धीरे पिघलते रहते थे। लेकिन अब जब धरती का तापमान बढ़ने के कारण ये तेजी से पिघलने लगते हैं, और तेजी के साथ पानी आता है नदियों में, और नदियों में बाढ़ हम आप लोग देख रहे हैं अलग अलग समय पर, और वो पानी फिर समुद्र में चला जाता है, तो ग्लेशियर की संख्या भी भविष्य में बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। ये एक तवालू आइसलैंड के मिनिस्टर हैं मिस्टर साइमन कोफे, इन्होंने COP26 में अपनी एक इमोशनल अपील दी थी कि जो नदियों में पानी ग्लेशियर के पिघलने से पहुंच रहा है वो समुद्रों में, तो समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, उसकी वजह से ये एक तवालू एक सुंदर सा द्वीप है समुद्र के बीच में, इनका जीवन संकट में है कि मेरी आपकी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से, पॉल्यूशन से इनके देश डूबने जा रहा है। ऐसे ही आपने देखा होगा रेणु जी, सुना होगा जकार्ता इज सिंकिंग, जकार्ता इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, और उन्होंने नई राजधानी बसाना शुरू कर दिया है दूसरी जगह, क्योंकि जो हम और आप लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं इसके कारण धरती का जो तापमान बढ़ रहा है उसकी वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तो जकार्ता भी डूब रहा है। और तो और आपने सुना होगा कि भविष्य ऐसा आने वाला है, ये मेल्टिंग ग्लेशियर के कारण ऐसी हम भविष्य में देखने जा रहे हैं कि जो कोस्टल एरिया है, जैसे हमारा चेन्नई हो गया, या फिर हमारा मुंबई हो गया, या दुनिया के अलग शहर जैसे कराची हो गया, या बांग्लादेश का चिटगांव हो गया, जो समुद्र के किनारे के हैं, तो जब सी लेवल बढ़ेगा तो ये समुद्र के किनारे के शहर डूबेंगे, और बहुत बड़ी परेशानी हम और आपको देखने को मिलने वाली है अगले कुछ सालों में।
और ये सारी परेशानियां ऑल आर ड्यू टू द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और वी कैन से द ग्लोबल वार्मिंग, और ये हम कह सकते जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ये मोहम्मद नसीद है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द मालदीव। ये इनके समय से लेके अभी तक हर बार मालदीव, आप सब लोग जानते होंगे बच्चों, एक सुंदर सा टापू में आइसलैंड है समुद्र के बीच में, और वहां पर बहुत इस समय देखा होगा वर्टिकल एक्सपेंशन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल उनका बिल्कुल एरिया कम होता जा रहा है क्योंकि समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, समुद्र की लहरें धीरे धीरे मालदीव को गिरफ्त में लेती जा रही है। और इसी को लोगों के अटेंशन लेने के लिए हर बार ये सब मैरीन में पनडुब्बी में ये अपनी संसद की कार्रवाई करती है। तो ये जो घटनाएं हैं बच्चों, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव्स, इस साल देखा होगा आपने रिकॉर्ड टेम्परेचर रहा दुनिया यूरोप में, तो ये जो परेशानियां या महाचक्रवात, या फिर आपने देखा होगा अनियमित रूप से बारिश होना, साइक्लोन अलग अलग, या एकदम बहुत ज्यादा ठंडी आना, या 2005 की मुंबई की बारिश, या चेन्नई में आपने अभी एक दो साल पहले बारिश देखी थी, या 2015 में भी देखी थी, ये जो घटनाएं जो हो रही हैं, ये मौसम की जो प्रतिकूल परिस्थितियां हो रही हैं जो आप देख पा रहे होंगे, इसकी वजह से बहुत ज्यादा मानवीय जीवन प्रभावित हो रहा है, फसलें प्रभावित हो रही हैं, कई दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अकाल पड़ रहा है, और हर एक जो भी परेशानी है, जो भी एक अब घटना होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ संदेह छिपा हुआ है। चाहे केरल उत्तराखंड की बारिश या हिमाचल प्रदेश में इस साल जबरदस्त बारिश हुई, वो एक संदेश देती है कि संभल जाओ वरना स्थितियां गंभीर होने वाली हैं। हम लोगों ने केप टाउन में जल संकट हुआ लगभग 5 साल पहले, लेकिन उससे कोई सबक नहीं लिया, और यही कारण है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में हम देख रहे हैं, चाहे वाइल्ड लाइफ अफेक्ट हो रही है, या सूखा पड़ रहा है, या फिर अलग अलग जो पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण ये भी देखा जा रहा है कि जो एक्सटिंक्शन है, जो 5 एक्सटिंक्शन पहले हो चुके थे, लेकिन जो 6 एक्सटिंक्शन जो अभी हो रहा है, लेकिन ये बहुत फास्टर हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कहा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारी ऐसी स्पीसीज गायब होती जा रही हैं, एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, और हमारी जैव विविधता कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रही है। ये जो अलग अलग चिड़ियों का ब्रीडिंग सीजन प्रभावित हो रहा है, पोलर बियर को बहुत परेशानी हो रही है बढ़ते हुए तापमान के कारण, मैरीन लाइफ में कोरल लीफ सीधे सीधे प्रभावित हो रही है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारी धरती पर रिलीज हो रही है तो वो हमारे समुद्र में पहुंच के घुल रही है और जाके वहां पर एसिडिफिकेशन हो रहा है और पीएच डाउन हो रहा है। तो ये जो स्थितियां हैं, ये कहीं ना कहीं से कोरल की ब्लीचिंग के लिए जिम्मेवार है, और आप बच्चों जानते होंगे कोरल रीफ जो होती है ये हॉट स्पॉट ऑफ द बायोडायवर्सिटी कहलाती है, यहाँ पे जीवन के भिन्न भिन्न रूप पाए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रही है। पौधों में पौधे खड़े रहते हैं लेकिन उनमें बीज नहीं लग रहे हैं, फल नहीं लग रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी प्रभावित हो रही है, नई नई बीमारियां आ रही हैं। जो एक नेचुरल साइकिल होता था कि पौधे जब तक मैच्योर होते थे उसी इस दौरान कुछ कीड़े हैं जो पौधों पर आते थे, उनका भी इस प्रकार का रिप्रोडक्टिव पीरियड के दौरान वो एग और लार्वा और प्यूपा एडल्ट में तब्दील होते थे, जिसका पॉलिनेशन जैसी घटनाएं होती थी, वो भी कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रही हैं। जब धरती का तापमान बढ़ रहा है उसकी वजह से देखा होगा कि गर्मियां बढ़ती जा रही हैं, बारिश स्प्रिंग और कोल्ड सीजन सिकुड़ता जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं से बहुत सारी परेशानियों को जन्म दे रहा है। मतलब वार्मिंग वर्ल्ड मीन्स अर्ली स्प्रिंग, और इसकी वजह से पॉलिनेशन सीधे सीधे प्रभावित हो रहा है फसलों का, और पॉलिनेशन का प्रभावित होने की वजह से आप और मेरी फूड सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रही है। एक स्टडी कह रही है कि जो जून 2000 में लोकस्ट अटैक हुआ था, जो हम सब लोगों ने देखा भारत में, ये भी कहीं ना कहीं से इन्हीं बदली हुई वातावरणीय परिस्थितियों से जिम्मेवार है। ये जो पिक्चर्स हम और आप लोग अपने गार्डन में देखते हैं अक्सर, अपने जो फसलें हमारी ये कीड़े खत्म कर देते, हार्मफुल इंसेक्ट की संख्या बढ़ रही है, यूजफुल इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाई या फिर हनी भी, इसकी पॉपुलेशन कम हो रही है। ये जो सारी परेशानियां हैं, इनकी वजह से जो पुअर लोग ज्यादा सफर हो रहे हैं, और वो लोग जो ओल्ड एज हैं वो ज्यादा सफर हो रहे हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ आ रही है, सूखा आ रहा है, और इसको लेके अलग अलग फोरम से, अलग अलग मैगजीन के माध्यम से, अगर अलग अलग रिसर्च पेपर से हमें और आपको सेंसिटाइज किया जा रहा है
कि अगर हम लोगों ने नहीं चेते, हम लोगों ने कुछ अच्छे कदम नहीं उठाए, तो आगे चल के हमें और आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो हम आपको बच्चों कुछ ऐसे हरे भरे काम बताने जा रहे हैं जिनको करके ना केवल हम अपनी जो ओजोन परत को तो हेल्दी रखने में मदद करेंगे ही, बल्कि जो एक बहुत बड़ी समस्या हमें और आपको धरती पर देखने को मिल रही है, डेट इज द ग्लोबल वार्मिंग, धरती का बढ़ता हुआ तापमान, वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हो रही है, ग्रीन हाउस गैस का जो कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, उसको कम करने में हम धरती को बचाने के लिए हम कुछ ना कुछ कदम उठा सकते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूनाइटेड नेशन ने 2030 तक के लिए किए हैं, उन सस्टेनेबल गोल के अनुसार हमें आपको अपने जीवनचर्या को बदलना है। आपको हमें ये समझना है कि मेरी लाइफ स्टाइल से कितना कार्बन इमिशन हो रहा है। कार्बन इमिशन वो होता है बच्चों, जो मैं आप अपने कपड़े पहनने में, अपने खाने पीने में, अपनी लाइफ स्टाइल को जीने में, जो भी नेचुरल रिसोर्स उपयोग करते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड जितना रिलीज होता है वो कहलाते हैं कार्बन फुटप्रिंट। और इन कार्बन फुटप्रिंट को आपको कैलकुलेट करना है। अलग अलग कैलकुलेटर हैं, जैसे मैंने ये कैलकुलेटर आपके साथ शेयर किया है। तो ये यूजुअली देखा गया है कि वो लोग जो यूजुअली साइकिल से चलते हैं, या फिर अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलते हैं, या फिर रेल से सफर करते हैं, तो उनके कार्बन फुटप्रिंट कम होते हैं। या फिर जो लोग नेचुरली जिनके घरों में प्राकृतिक हवा आती है, कम एसी का इस्तेमाल करते हैं, कम ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, उनके कार्बन फुटप्रिंट कम होते हैं। तो ये बात को हमें समझना है। जैसे मैं एक उदाहरण से बताऊं, आप बच्चों स्कूल आते होंगे अपने, तो आपके पापा कई बार आपको अकेले कार से लेके आते हैं, तो जितना इस सफर में जो आपने घर से स्कूल तक का किया, तो जितना पेट्रोल या डीजल जला, उससे जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, वो आपके कार्बन फुटप्रिंट हो गए। लेकिन अगर आपने दो तीन बच्चों को अपने साथ उस कार में लिफ्ट दे दी, तो वो आपके कार्बन फुटप्रिंट, अगर चार बच्चे आपके साथ आए, तो चार बच्चों से डिवाइड हो जाएंगे। अर्थात इस ढंग से आप अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं और धरती आपको शुक्रिया कहेगी। आप मान लीजिए लखनऊ, मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ, या आप दिल्ली में हैं, तो आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, और आपके पास विकल्प है कि रेलगाड़ी का सफर भी आपको मुहैया है, तो आप प्लेन के सफर को टाटा बाय बाय कहिए, क्योंकि प्लेन से जब हम सफर करते हैं तो ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट रिलीज होते हैं इन कंपेरिजन टू द रेलवे और अलग दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अपेक्षा। तो ये हमें आपको समझना है, और इन कार्बन फुटप्रिंट की गणना करना समझना है। और हम जब अपने कार्बन फुटप्रिंट, जैसे हम अपने एसी की सेटिंग 18 के स्थान पर 24 पे कर देंगे, तो मेरे कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाएंगे। अगर मेरा घर से स्कूल पास है, मैं पैदल ही स्कूल आ जाऊंगा, तो मेरे कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाएंगे। या साइकिल से आऊंगा, तो नेचर आप थैंक यू बोलेगा आपको। ये कुछ इनोवेटिव वे के द्वारा आप कर सकते हैं। ऐसी एक नई कंसेप्ट बच्चों, कार्बन क्रेडिट, जिसमें आप पौधे लगा सकते हैं ऐसे, या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अपने घरों में सोलर पैनल लगा सकते हैं, उससे आप कार्बन क्रेडिट जनरेट कर सकते हो। उन कार्बन क्रेडिट को आप दिखा के ऑनलाइन मर्चेंट ऐसे हैं जहां पर इनको अपने कार्बन क्रेडिट को बेच सकते हैं। आपने सुना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कॉप समिट में कहा था कि 2070 तक हम जीरो कार्बन इमिशन वाले देश बनेंगे। तो कैसे पॉसिबल होगा बच्चों, जब हम इस प्रकार के अच्छे हरे भरे कदम करेंगे, अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएंगे, कार्बन क्रेडिट कमाएंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी लेंगे जिस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का कम रिलीज करे, और या कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुई उसे सोखे, तो हम इस प्रकार से धरती को बचा सकते हैं। जो अलग अलग ऐसे अच्छे दिन हैं, जैसे कि आज हम ओजोन को बचाने के लिए ये दिवस मना रहे हैं, ऐसे ही अलग अलग दिन हैं, जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, या हम किसी एक दिन अपने स्कूल में ग्रीन डे के रूप में सेलिब्रेट कर सकते हैं। सुबह से अपने स्कूल में, जब तक आप स्कूल में रहें, ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें प्रकृति आपको थैंक यू बोले, और लोगों को जागरूक करें, आप उनको सेंसिटाइज करें, आप प्रकृति से सीख लें, प्रकृति में कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती है, प्रकृति नेचर जो है वो सर्कुलर इकोनॉमी अडॉप्ट करता है, वो रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज एंड रिपर्पज वाला प्रिंसिपल इस्तेमाल करता है। इसमें चीजों की बर्बादी कम होती है, और ज्यादा से ज्यादा हम चीजों को रिसाइकिल कर सकते हैं। हमारे आपके स्कूलों में एक बहुत अच्छा ओलंपियाड होता है, ग्रीन ओलंपियाड, ये द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो टेरी आयोजित करता, ये बहुत ही अच्छा ओलंपियाड है, जो बच्चों को स्कूल डेज से ही
उसकी लाइफ स्टाइल को कैसे वो जिए, किस प्रकार के कदम उठाएं जिससे कि नेचर में वो कम से कम पर्यावरणीय प्रदूषण हो और नेचर आपको शुक्रिया कहे, और इस दौरान आप अपने सिलेबस के साथ पढ़ते हुए धरती के लिए कुछ बेहतर काम कर सकते हैं ग्रीन ओलंपियाड में भाग लेके। अपने स्कूल में एक सीड बैंक या जीन बैंक बना सकते हैं, जिसमें जब आप दादा दादी या नानी के यहाँ अपने जाते हैं तो वहाँ पर आप वहाँ के लोकल सीड, लोकल फूड फ्रूट जो खाते हैं आप, तो उसके जो सीड होते हैं वो आके अपनी बायोलॉजी लैब में या साइंस की लैब में जमा कर दिए। इससे आप बायोडाइवर्सिटी को बचाने में बहुत बड़ा योगदान करेंगे। बच्चों, बायोडाइवर्सिटी वही है ना जिससे मुझे रोटी, कपड़ा, मकान, मेडिसिन, जाने कितने उपयोग प्राप्त होते हैं, ऑक्सीजन क्या क्या नहीं मिलता है बायोडाइवर्सिटी से। तो हमारी आपकी जिम्मेवारी है कि हम बायोडाइवर्सिटी बचाने में भी योगदान दें, प्रकृति से सीखें, प्रकृति से सर्कुलर इकोनॉमी को सीखें कि कैसे प्रकृति में कोई भी चीज बर्बाद नहीं होती। बच्चों, कोई भी चीज आजकल कचरा नहीं है, हम कचरे को रिसाइकिल करके पैसा कमा सकते हैं। तो अपने स्कूल में वर्मी कंपोस्ट वाला एक गड्ढा खोदिए, उसमें पेपर को डालिए या फिर अपने आसपास के पत्तों को डालिए और केंचुए के द्वारा खाद बनाइए। ये हरे भरे काम करेंगे आप तो आपके आसपास पॉल्यूशन भी नहीं होगा और धरती आपको शुक्रिया कहेगी। ये बच्चों, ये धरती इसलिए आपकी तरफ देख रही है क्योंकि बच्चे सबसे अच्छे मैसेंजर होते हैं। बच्चे अगर चाहें तो इस धरती को बदल सकते हैं। आप ऐसे इनोवेशन करें, जैसे अभी देखिए इंस्पायर माना का वर्ड आया हुआ है, तो आप ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया दें जिसके द्वारा आप धरती के रिन्यूएबल एनर्जी को और हार्वेस्ट कर सके और इफिशियंसी बढ़ा सके। जैसे कहा जा रहा है कि सोलर पैनल्स की इफिशियंसी कम है, तो आप क्या ऐसा कुछ आइडिया दीजिए और उस पे तो आपको 10,000 रुपया सरकार देती भी है कि उस आइडिया को आप फिर आगे चल के करिए और फिर आप अलग अलग माध्यमों से होते हुए और फाइनली जापान भी घूमने का मौका मिलता है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी आपको आमंत्रित करता है। ग्रीन स्कूल प्रोग्राम एक चलता है हमारे स्कूलों में, उसमें आप ऑडिट करिए, फूड, एयर, वाटर, वेस्ट, इन सबको ऑडिट करिए कि कितनी एनर्जी आपके स्कूल में वेस्ट होती है। क्या आपके स्कूल में ऐसे अप्लायंसेस हैं जो 5 स्टार रेटिंग के हैं, या आपके घर में ऐसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं जो 5 स्टार रेटिंग के हैं क्योंकि वो कम बिजली खाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे काम कर सकते हैं जिनके द्वारा हम ग्रीन स्कूल प्रोग्राम ऑडिट के द्वारा ये काम कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और डिग्रेडेशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों ये जो पॉल्यूशन है इससे आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। अभी आप देखिए, आप जगह जगह देखती है एयर क्वालिटी इंडेक्स को मॉनिटर करने वाले मॉनिटर लगे होते हैं, तो वो भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए हुए हैं। उसमें समझिए कि कैसे ये AQI आपकी स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, कैसे AQI जैसे जैसे बढ़ता है तो मेरे आपके आसपास की हवा और जहरीली होती जाती है, और किस प्रकार से कई सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, ये तमाम परेशानियाँ ये कहीं ना कहीं से AQI से जुड़ी हुई हैं। तो ये सब चीज़ों को करना है हमें, अपने घर के आसपास का इंडोर एयर पॉल्यूशन का ऑडिट करना है कि हमारे घर में ऐसे कौन कौन सी केमिकल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, फ्लोर क्लीनर, डिओड्रेंट, इंसेक्ट रिपेलेंट, वो हमें और आपको और बीमार कहते हैं, कर रहे हैं। तो IIT कानपुर कहता है कि हम लोग एक्चुअली ऐसे घरों में रह रहे हैं जो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम की श्रेणी में आती। तो अपने घरों में बच्चों ऐसे पौधे लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको इस स्लाइड से दिखाना चाह रहा हूँ, ये एयर प्यूरिफाइंग पौधे हैं। ये आपके घर के आसपास के जो आपके घर में भी हम और आप लोग जो कुछ भी आर्टिफिशियल चीजें इस्तेमाल करते, तो किसी से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता, किसी से ओजोन, किसी से बेंजीन, किसी से टॉलवीन, और ये जहरीली गैस होती है। ये हमारा कहीं ना कहीं से मेंटल ब्रेकडाउन करती है, हमारा अलर्टनेस कम करती है, काम में मन नहीं लगता है, सिरदर्द होता है। जब आप इन पौधों को लगाएंगे तो ये पौधे उन जहरीली गैस को सोख लेंगे, चाहे वो स्नेक प्लांट हो सकता है, चाहे जेट प्लांट या मनी प्लांट या रबर प्लांट या स्पाइडर प्लांट या एलोवेरा, और आपके घर की सुंदरता बढ़ाएंगे। बच्चों, एक और बात कहूंगा, आप अपनी यहां बायो पर लैब हम में आपसे इसको जरूर निवेदन लगाइएगा करेंगे कि या केमिस्ट्री लैब में लगाइएगा। केमिस्ट्री लैब में आपने देखा होगा कई बार ऑफेंसिव स्मेल आती है, तो वो ऑफेंसिव स्मेल खत्म हो जाएगी। और लास्ट में मैं बच्चों आपको बताऊंगा कि आपके दादा दादी और नाना नानी ने जो ज्ञान आपको दिया है, रेणु जी, हम और आप लोगों ने बचपन से सीखा है, हमारी दादी या नानी हल्दी वाला दूध दे देती थी, या फिर आपने देखा होगा गिलोय का सेवन हम लोग बचपन से करते आए, वो खून साफ करती आई है, या खांसी वाले सिरप में एडाठोड़ा वैसाई का यूज होता था। तो ये जो आयुर्वेद है, आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन है,
इसको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो, ये इम्यून शक्ति बढ़ाता है, कई सारी बीमारियों से बचाता है। जैसे मैं कहूँ आप गोल्डन मिल्क, हम और आप लोगों ने अगर कभी कुरकुमा लौंगा हल्दी का पिया हो, तो आज विज्ञान ने बताया है कि इसमें करकुमिन एक सबस्टेंस पाया जाता है जो इम्यूनो मॉड्यूलेटरी है, मेरी रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, एल्जाइमर से बचाता है और कई सारे कैंसर से बचाता है। जैसे कि जो हमारी फीमेल्स में, माँ बहनों में एक कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर, उसको भी बचाता है। ये जो हमारा औषधीय ज्ञान है, इसको भी हमें बचाना है। स्कूल में बच्चों औषधि उद्यान लगाइए, मेडिसिनल पौधे लगाइए, उन पौधों से दोस्ती करिए, पौधागिरी करिए, पौधों के साथ आप जब जुड़ोगे तो बड़ा मजा आएगा, बड़ी पॉजिटिविटी आएगी, बड़ा अच्छा लगेगा और ये धरती आपको शुक्रिया कहेगी। ये जब भी कोई तीज त्यौहार हो तो अपने आसपास के लोगों को पौधे गिफ्ट में दीजिए, गौरैया के घोंसले बना बना के दीजिए, क्योंकि ये धरती सबकी है, ये गौरैया की भी है जी। ये हाथी की भी है, ये सभी प्रकार के जीव जंतुओं की ये धरती है। तो हमें कुल मिला के चेंज मेकर बनना है, हमें ऐसे अच्छे काम करने हैं बच्चों जिसकी वजह से धरती ये हमें, हमारी आने वाली पीढ़ी को अच्छी स्वच्छ वायु दे सके, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ओजोन लेयर बची रहे जी। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसका मेन मोटिव और उद्देश्य यही है कि हमारी आगे आने वाली जितनी भी पीढ़ी हैं, हमारी भावी जनरेशन्स जो हैं, उनके पास भी उन सभी संसाधनों को इस्तेमाल करने के लिए संसाधन बचे जो आज इस समय हम उपयोग में ला रहे हैं, उनका भी पूरा अधिकार है उन संसाधनों पर। तो हम वो संसाधन ख़त्म नहीं कर सकते हैं। कुछ गोल्स जैसे सर ने बताए कि कुछ ऐसे गोल्स हैं जो 2030 तक रखे गए हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, बहुत सारी बातें सर ने बताई आपको, बच्चों की कार्बन फुटप्रिंट्स आपको किस तरह से कम करना है और वो कम करना ज़रूरी भी है अगर हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। क्योंकि आप स्कूल में हैं और ये एक ऐसा दौर होता है जहाँ पर आप दुनिया बदल सकते हैं, क्योंकि यहीं पर से बदलाव की शुरुआत होती है। और ढेर सारे स्टेप्स आपको बताए जो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ आप धीरे धीरे करके कर सकते हैं। और जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो सरकार कर रही है, उसमें आप अपना सहयोग ज़रूर करें। और सर क्योंकि समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है कि हम ये सत्र, रेणु जी एक मिनट देंगे तो मैं पूरा वाइंड अप कर दूं जो बताया है सर, बहुत ही संक्षेप में हम आपसे जानना चाहेंगे सर। यस बच्चों, इस स्लाइड के माध्यम से आप समझने की कोशिश करिए जो हम और आप लोग कौन कौन सी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। जैसे अगर हम ट्रेवल करें, जैसा आप देख रहे हैं, तो हम कार हुआ या एरोप्लेन हुआ, इसको टाटा बाय बाय कहें, कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, साइकिल का इस्तेमाल करें, पैदल जाएं या मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन एनर्जी की तरफ हम लोग जा सकते हैं, घर में हम लोग देखा होगा आजकल अच्छे हाई एनर्जी एफिशिएंट बल्ब आ गए हैं, तो CFL और ट्रेडिशनल बल्ब को टाटा बाय बाय कर सकते हैं। अपने घर में जब इलेक्ट्रिक अप्लायंस आप खरीद करने जाएं तो 5-स्टार रेटिंग के लिए, वो कम बिजली खाते हैं, कम बिजली खर्च करते हैं, और जब कम बिजली खर्च होगी अर्थात हम कम कार्बन इमिशन करेंगे, क्योंकि थर्मल पावर स्टेशन में कोयला जलाने से बिजली आती है। जब जरूरी है तभी इलेक्ट्रिक सिटी का उपयोग करें, अपने घर में जब पढ़ें तो अपनी मेज को अपनी खिड़की के पास लगाएं, ताजी हवा भी आएगी, प्रकाश भी आएगा। एक जो गलती हम लोग करते हैं, कपड़े धोते हैं तो अक्सर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, भारत में पर्याप्त धूप रहती है, तो ड्रायर का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि उससे आप एनर्जी बचाने में अपना योगदान दे पाएंगे। अपने घर में फोटोवोल्टेइक पैनल लगवाएं और अपने घर में इंसुलेशन सिस्टम लगवाएं, और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लोकल फूड आप लीजिए, आसपास के फूड का इस्तेमाल करिए, इससे न केवल आपकी आसपास के लोगों की इकोनॉमी अच्छी होगी बल्कि आप ताजे फल खाएंगे, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और आप कहीं ना कहीं से नेचर भी आपको थैंक यू बोलेगा। जंक मेल ना करें, छोटा परिवार रखें, रिसाइकिल पेपर का इस्तेमाल करें, पेपर के दोनों तरफ लिखें, पुरानी रवायतों को फिर से जिंदा करें। जब हम लोग सब्जी लेने जाते थे तो घर के पुराने कपड़ों से थैले या इस प्रकार की चीजें बनाते थे, तो उन तरफ जाएं, अपने घर से कपड़े लेके, कपड़े का थैला लेके जाएं, पॉलीथीन का कम से कम इस्तेमाल करें, कम से कम मीट का सेवन करें, ज्यादा से ज्यादा वेजिटेरियन बने, प्लांट खूब लगाएं, और सबसे लास्ट में ऐसे चेंज मेकर बने, ऐसे कैटलिस्ट बने कि सोसाइटी में आप पॉजिटिविटी लाएं, नेचर के लिए लोगों को जागरूकता करें, और भविष्य में जब हमारे पास समय बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस सत्र को आगे बढ़ाएं। सुशील सर आप हमसे जुड़े, हमें आप हमसे जुड़े, आपने हमें इतनी सारी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी बच्चों, जिस तरह से आपको जानकारी दी जा रही थी, आप क्योंकि बच्चे हैं, आप अपने बड़ों के साथ ये सभी बातें ज़रूर शेयर करें और आप भी अपने 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 स्तर पर ये सभी बातें कर सकते हैं, सभी चीज़ें कर सकते हैं और आप देखिए कि किस तरह से छोटे छोटे बदलाव ही समाज में एक बड़ा बदलाव बनते हैं। तो हम पूरी पूरी उम्मीद करते हैं कि आप इस सत्र से आपको बहुत ही सरल और सहज तरीके से कई सारी बातें समझ में आई होंगी कि किस तरह आप बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। अभी समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम इस सत्र को आगे बढ़ाएं, लेकिन एक बहुत ज़रूरी सूचना आपके साथ हम साझा करना चाहेंगे एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों से संबंधित। शैक्षणिक सत्र वर्ष 2023-24 के लिए एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें देश भर में उपलब्ध हैं और ये पाठ्य पुस्तकें आप एनसीईआरटी के बिक्री केंद्रों से जाकर ले सकते हैं जो कि नई दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलुरु, कोलकाता और गुवाहाटी में स्थित हैं और ये बिक्री केंद्र प्रातः 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यरत रहेंगे पूरे सप्ताह, सभी सरकारी छुट्टियों के साथ साथ शनिवार और रविवार को भी। और यदि किन्हीं कारणों से आप यहाँ पर नहीं जा सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी ये सारी पुस्तकें ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा हमारे वेबसाइट पर जो है ncertbooks.ncert.gov.in और ये सभी पुस्तकें आपको आपके घर पर निःशुल्क डिलीवर की जाएंगी और इनके अलावा यदि आप इनका PDF वर्जन में डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये सुविधा भी उपलब्ध है। आप जा सकते हैं NCERT दीक्षा ई पाठशाला वेबसाइट और हमारे मोबाइल ऐप पर। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारी वेबसाइट ncert.nic.in पर लॉगिन जरूर करें ताकि आपको सभी ऑथराइज वेंडर्स की डिटेल प्राप्त हो। इसी के साथ मैं रेणु भट्ट ले लेती हूँ आप सभी से इजाजत, लेकिन आप बने रहिए ई विद्या चैनल और NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर। नमस्कार।